इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएटिंग एंड ओपनिंग प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले न्यू फाइल को लेना और डिलीट करना सीखते हैं। तो न्यू फाइल लेने के लिए ऊपर दाईं ओर ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। अब उसमें न्यू पर क्लिक करने से एक बॉक्स आएगा जिसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करके नीचे क्रिएट पर क्लिक करने से न्यू फाइल आ जाएगी। इस ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन है, लेकिन अगर ये फाइल नहीं चाहिए हो यानी कि बंद करनी है तो ऑफिस बटन में जाकर क्लोज पर क्लिक करेंगे जिससे फाइल क्लोज हो जाएगी। अब अगर हमें पहले बनाई हुई फाइल को ओपन करनी है तो ऑफिस बटन में जाकर ओपन पर क्लिक करेंगे जिससे एक बॉक्स खुलेगा। अब इस बॉक्स में हमारी फाइल कहाँ है उसका लोकेशन देकर वो फाइल सेलेक्ट करके नीचे ओपन बटन पर क्लिक करने से स्क्रीन पर फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ है। अब अगर हमें रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज करके स्लाइड बनानी है तो ऑफिस बटन में जाकर न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें इंस्टॉल टेम्पलेट्स मौजूद है। उसे क्लिक करने से कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स का लिस्ट ओपन होगा। हमें जिस टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है उसे सेलेक्ट करके नीचे क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब इस टेम्पलेट में एडिटिंग करके स्लाइड प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब कोई फाइल बार बार ओपन करनी है तो उस फाइल को पिन करवा कर रख सकते हैं। उसके लिए ऑफिस बटन में जाकर पास में रीसेंट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, उसमें हमें लास्ट में ओपन की हुई फाइल्स की लिस्ट दिखेगी। अब हमें जिस फाइल को पिन करनी है उसके सामने पिन जैसा आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करने से फाइल पिन हो जाएगी। अगर रीसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट लंबी होती जाए तो भी पिन हुई फाइल यहाँ दिखेगी। पावर पॉइंट में बनाई हुई स्लाइड को भविष्य में फिर से इस्तेमाल के लिए उस फाइल को सेव करके रख सकते हैं। फाइल को सेव करने के लिए ऊपर दाएं तरफ ऑफिस बटन पर क्लिक करके उसमें सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें जहां फाइल सेव करनी हो उसका लोकेशन देंगे। अभी नीचे फाइल मेन्यू में फाइल का नाम देकर नीचे सेव पर क्लिक करने से फाइल सेव हो जाएगी, लेकिन इस फाइल को दूसरे नेम से सेव करनी हो, मतलब कि सेव एज करना हो, तो फिर से ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, उसमें सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करके एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे फाइल का नाम देकर सेव पर क्लिक करने से फाइल सेव एज हो जाएगी। इसके पश्चात फाइल को सेव एज करने के समय डायलॉग बॉक्स में सेव टाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन से फाइल अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट 97, 2003, JPEG, PNG, वेब पेज वगैरह। इस ऑप्शन से फाइल अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। न्यू स्लाइड ओपन करते ही बीच में व्हाइट कलर का पार्ट दिखेगा, उसमें क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा। उस पर क्लिक करके टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं तथा नीचे ऐड टू सब टाइटल पर क्लिक करके लिख सकते हैं। अभी हमें न्यू स्लाइड ऐड करनी हो तो मेन्यू के अंदर स्लाइड्स ग्रुप में न्यू स्लाइड ऑप्शन दिया है, उसे क्लिक करते ही अलग अलग तरह के लेआउट वाली स्लाइड दिखेगी। उसमें से हमारी जरूरत के हिसाब से लेआउट पसंद करके उस पर क्लिक करने से वह स्लाइड ऐड हो जाएगी। अभी ऐड की हुई स्लाइड में टेक्स्ट इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें कोई स्लाइड या उस स्लाइड में डाली हुई टेक्स्ट इमेजेस पर चाहिए तो उसके लिए स्लाइड्स ग्रुप के अंदर न्यू स्लाइड पर क्लिक करके नीचे डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक करने से स्क्रीन में स्लाइड की कॉपी होकर आ जाएगी। अभी जो स्लाइड नहीं चाहिए, मतलब कि डिलीट करनी हो,
तो स्लाइड व्यू में उस स्लाइड पर क्लिक करके ऊपर स्लाइड्स ग्रुप में डिलीट ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करने से स्लाइड डिलीट हो जाएगी या कीबोर्ड में से डिलीट प्रेस करेंगे। अभी अगर हमें किसी स्लाइड का लेआउट चाहिए तो स्लाइड्स ग्रुप में लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें करंट लेआउट ऑरेंज कलर के जैसा है, उसमें से हमारी जरूरत के अनुसार सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करने से स्लाइड में लेआउट अप्लाई हो जाएगा। अभी हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे, उसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर ऊपर फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट कलर ऑप्शन पर क्लिक करने से टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अभी फॉन्ट की साइज बढ़ानी हो तो ऊपर इंक्रीज फॉन्ट साइज पर जैसे जैसे क्लिक करेंगे वैसे साइज बढ़ेगी, लेकिन अभी टेक्स्ट पर की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मतलब कि रिमूव करनी है तो स्लाइड्स ग्रुप में रीसेट दिया है, उस पर क्लिक करने से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रिमूव होकर टेक्स्ट उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। अभी बनाई हुई स्लाइड का प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में स्लाइड शो ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करने से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। प्रेजेंटेशन के समय पहले स्लाइड में से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए कोई भी जगह पर क्लिक करेंगे। स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की F5 है और अंत में स्लाइड पूरी होते ही एक मैसेज आएगा जो यह दर्शाएगा कि अभी एक भी स्लाइड नहीं है। अभी फिर से इंटरफेस में जाने के लिए कोई भी जगह पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी पाई।